Hi everyone, my name is Usha and welcome to my YouTube channel. Right now I am 37 weeks pregnant और बहुत जल्दी baby मेरे हाथ में आने वाली है या आने वाला है. तो मेरा हमेशा से मन था कि baby का एक corner हो और wall हो कि completely baby के लिए dedicated हो. So मैंने during pregnancy कुछ paintings बनाए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ. सो जम्बो इंस्पायर्ड, बेबी एलिफेंट इंस्पायर्ड वॉल मैं बनाना चाहती थी जो कम्प्लीटली बेबी के लिए डेडिकेटेड हो. ये जो पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं उनको मैंने लैमिनेट कर दिया है क्योंकि हम ये रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं. यहाँ पे पेंटिंग्स को फ्रेम करके कील ठोकना ठीक नहीं होगा. सो दैट्स वाई मैंने लैमिनेट कर दिया ताकि चिपका देंगे वॉल पर. सो आज मैं पेंट करने वाली हूँ. एक पिक्चर मैंने पिंट्रेस्ट से लिया है, वो भी एलिफेंट इंस्पायर्ड ही है, बेबी एलिफेंट इंस्पायर्ड. तो उसे मैं पेंट करने वाली हूँ वॉल पे. सो मैंने ये इमेज लिया है ड्रॉ करने के लिए. तो पेंसिल से मैंने बना लिया है, मे भी इतना क्लियर नहीं है, कैमरा में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है. इसे कलर कर लेंगे तब क्लियर दिखेगा. तो कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर. Thank you.
सो अभी तक इतना कंप्लीट हुआ है. सो बीच में बैटरी डाई हो गया था तो चार्ज करने रखा था. मेरे पास है ये गोल्डन कलर एक्रेलिक कलर, तो जो ब्लू कलर का बलून है उस पर इसे डॉट करेंगे, क्योंकि ब्लू है तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखेगा गोल्डन उसमें. तो चलिए तो एलिफेंट में फिनिशिंग कर लेते हैं. तो मैंने बिल्कुल थिन ब्रश लिया है तो उसको यूज़ करके फिनिशिंग कर लेंगे. सो वॉल कंप्लीट हो गया एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, स्पेशली बेबी एलिफेंट. सो मैंने स्टार्ट किया पेंट करना आफ्टरनून 2 o'clock को एंड अभी हो रहा है 6. बीच में मैंने आधा घंटा गैप लिया था चाय पीने के लिए. सो आई थिंक इट्स लुकिंग कंप्लीट. सो यहाँ पे है पूरा chaos, पूरा क्लीन करना पड़ेगा अभी. सो बेसिकली ये बेड को थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे बेबी आने के बाद, और बेबी का जो बैसिनेट है वो यहाँ आएगा एंड ये जो है बेबी का वॉल होगा. मैंने जो पेंटिंग्स बनाए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मेरा इनिशियल प्लान था इसी वॉल में साइड्स को लगाना, उस साइड यहाँ पे दिस साइड, बट आई थिंक यहाँ पे अगर ये पेंटिंग्स लगाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, क्लमजी लगेगा वॉल. तो मे बी ये पेंटिंग्स जाएंगे इस कबर्ड पे. सो ये कबर्ड जो है
आप देख सकते हैं थोड़ा डैमेज्ड है इनको, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इन पेंटिंग्स को लगाऊंगी कि जो डैमेज है वो कवर हो जाए। सो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लाइक दिस, तो जो डैमेज है वो कवर हो जाएगा। दिस इज रेंटेड अपार्टमेंट, तो रेनोवेशन करना या फिर कुछ डैमेज, मेजर जो डैमेजेस है उसको ठीक करना आई मीन वर्थ नहीं है, क्योंकि कभी भी हम जा सकते हैं छोड़ के घर को। सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।